कम बैक इट अगेन विद द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में काफ़ी खूबसूरत और ख़तरनाक कबूतरों का शौक कराने वाले जो सावनेर में छुपे हुए उस्ताद है, जिनका नाम अमोल भाई है, तो उनके कबूतर का शौक आज करेंगे और उनसे जानेंगे क्या स्टोरी है कबूतरों के पीछे। और आप देख सकते हैं कितने सारे कबूतर है यहाँ पे। तो आइए डायरेक्टली मिलते हैं अमोल भाई से। तो नमस्ते अमोल भाई, नमस्कार। इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले, नाम बता दीजिए। नाम अमोल है, अमोल चरडे। हाँ, और कबूतर मतलब बोलो तो पहले मैं खापरखेड़े में शौक था मेरा वाला। हाँ हाँ, वहाँ से पिताजी के हाथ से, तो उसके बाद में वहाँ कम से कम 6-7 साल 8-8 साल वहाँ कबूतरों का शौक किए। हाँ हाँ, बाद में वहाँ से कबूतर चोरी चले गए। अच्छा, खापरखेड़ा में से। खापरखेड़े में से फिर वो शौक खत्म कर दिए वहाँ से। उसके बाद में फिर इधर में पिताजी का ट्रांसफर हो गया, तो इधर मैं शौक चालू किया। तो उसको अभी शौक को कम से कम 8-10 साल हो गए अपने को। अच्छा, यहाँ पे कबूतर है अपने पास में। ये एरिया का लोकेशन बता दो ना आप। WCL कॉलोनी शक्ति नगर सावनेर मेन सावनेर में, ये शक्ति नगर में WCL क्वार्टर में। तो ये आपके कबूतर अभी लगभग यहाँ पे रखे हुए हैं WCL क्वार्टर में जब आप शिफ्ट हुए, तो ये कितने साल हो गए अंदाजा? 10-12 साल हो गए। अच्छा, 10-12 साल हो गए। तो आइए आपको भी दिखाते हैं इनके कबूतर एक से एक, और आपको भी कराते हैं हर कबूतर का शौक। तो बने रहिए वीडियो के साथ। जैसा कि पहला कबूतर दिखा रहे हैं भाई, कबूतर है ये, सहारनपुरी कबूतर है। आंखों का शौक कर लीजिए इनके, परों का भी शौक करा दीजिए भाई। पर कैच में ये क्या उड़ाने के लिए रखा है इसको? ब्रीडिंग पेयर है, मादी है ये। अच्छा, सारंगपुरी कुकराजी आंख में देख सकते हो ये आंखें आप इसकी। और इसकी कोई खासियत, ये टाइमिंग वगैरह कितना देती है? उड़ान में जैसा इसको तो उड़ाया जाता है, ये काफी उड़ते हैं, पर बात ऐसी है कि इसको ओरिजिनल बहुत कम लोग उड़ाते हैं। अच्छा, जैसा इनका शॉर्टेज जाता है कबूतरों का, जैसा सारंगपुरी मिलती नहीं है। हाँ हाँ, ये ओरिजिनल सारंगपुरी है, प्योर ओरिजिनल सारंगपुरी है। अच्छा, मतलब बोलो तो इसको कैसा लाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। अच्छा, ये दूसरा सहारनपुरी नर दिखा रहे, उसी में क्या जोड़ का है ये? नहीं, ये दूसरे मेल का, फीमेल का। अच्छा, तो ये अपने पास में तकरीबन क्या रिजल्ट दिए अभी तक के? ये मेरे पास में 6-7 घंटे उड़ा हुआ कबूतर है ये। 6-7 घंटे उड़ा हुआ है, देख सकते हो आप इसकी आंखें। परों का भी शौक करा दो इससे। ये सब ब्रीडिंग पेयर है, ब्रीडिंग पेयर को उड़ाते नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाली इनके बच्चे लेते हैं, उनके बच्चे उड़ाते हैं। अच्छा, तो ये हो गया मेल सहारनपुरी का। उसकी फीमेल है ये, अभी जो सहारनपुरी वाला मेल दिखाया था उसकी फीमेल है ये। इसके भी आंखों का शौक कर लीजिए आप। ये आपने कितने पेयर बुलाए थे तकरीबन? ये मेरे पास में 2 पेयर आए थे। 2 पेयर आए थे, 2 पेयर के आपने बच्चे करे कर करके उसकी बढ़ाया संख्या, अभी 14-15 नग अवेलेबल है अभी। अच्छा, देख सकते हो आप ये कबूतर बना हुआ कबूतर है हरा, ये साजापुरी में हरा कबूतर है। इसके भी आंखों का शौक कर लीजिए आप। ये सब ब्रीडिंग पेयर है, तो इसके भी क्या है उड़ान की टाइम? ये उड़ान के मतलब बोलो तो इसको उड़ाया नहीं है अपने, खाली नस्ल के तौर पे रखा है। अच्छा, ये ब्रीडिंग में डालेंगे, इसकी ब्रीडिंग करेंगे। अच्छा, तो इसको अभी तक की उड़ाया नहीं है ना? नहीं, इसको उड़ाया नहीं है अभी तक। अच्छा, ठीक है ना। दूसरा कबूतर दिखाते हैं, ये पंजाबी कबूतरी है। पंजाबी कबूतरी है, ये अकोले से मंगाया हुआ है इसको। अच्छा, अकोले से। कितने साल हो गए ये कम से कम आपके पास है? ये मेरे पास में अभी हो गया इसको 8 महीने हो गए। 8 महीने हुई है। अब पंजाबी और ये जो मद्रासियों का शौक है अभी अभी नागपुर में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चालू है, तो उस वजह से आपने भी सोचा कि आप भी रखे। पहले से ये अभी तो फिलहाल अभी दे दिया है अपने पास में, इसलिए अपन ने ला लिए है। अच्छा, तो ऐसा कुछ खास अपने को पंजाबी का इसका शौक लगा लिया है, तो कुछ जोड़े अपने पास में भी है। पुराना कबूतर है मेरा। अच्छा, ये काफी उम्र हो चुकी है इसकी, तकरीबन कितने साल का है? 14-15 साल का कबूतर है। 14-15 साल का कबूतर है ना, देख लो ये 14-15 साल के कबूतर हो, जैसे पकते हैं वैसे वैसे इनका चेहरा भी पकता है। देख सकते हो आप इनके नाक के ऊपर में, और ये कबूतर की बनावट है, झुरिया चढ़ गई है, ये झुरिया वगैरह भी सब चढ़ गए हैं। काफी उम्रदार कबूतर है। तो इसने क्या नाम किया है आपके पेटी का?
ये इसके मेरे पास में बच्चे उड़े हुए हैं कम से कम 2:30-3 बजे तक के। अच्छा बच्चे उड़े हुए हैं 3 बजे तक के। हाँ 6 से 7 घंटे उड़ी हुई कबूतरी है, सारंगपुरी में क्रॉस है ये। अच्छा देसी और सारंगपुरी का क्रॉस है ये। क्रॉस है, देसी और सारंगपुरी का क्रॉस है। अच्छा काफी खतरनाक कलेक्शन है आपके पास में, देख सकते हो आप इसकी आंखें, दुम, खुले दुम की कबूतरी है ये। पास की कलदुम्मे की मादी है, कलदुम्मे की मादी है, इसकी आंखें का शोक कर लो। काफी अलग आंखें है इसकी। अच्छा तो ये कितने घंटे उड़ी हुई है अपने पास ये में? इस कबूतरे को उड़ाया नहीं हूँ मैं, इसके बच्चे मेरे पास में उड़े हैं। अच्छा 3-3, 4-4 बजे तक के बच्चे उड़े हुए हैं इसके वाले। अच्छा तो नर भी मेरे पास में कल दूंगा। तो जैसे आपको शौक, ये उड़ाने का शौक है या फिर खाली ब्रीडिंग करने का शौक है? ब्रीडिंग का भी है, जैसा पार्ट टाइम में अपने पास में बच्चे जैसे स्पेयर में रहते हैं अपन तो उड़ा के चेक करते हैं, उनको उड़ा के रखे जाते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली केच नहीं मारता हूँ पट्टे उनको। अच्छा तो पहले खाली घुमाता हूँ, उसके बाद में जैसा अगर किसी को लगा बच्चे दे देता हूँ। अच्छा मतलब सेल करता हूँ जिसको भी, अगर ये वीडियो जो भी भाई लोग जहाँ से भी देख रहे हो, तो जिन किसी को भी कबूतर के, इनके जो कबूतर है इनके पट्टे अगर किसी को लग रहे होंगे तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में अमोल भाई का नंबर दिया हुआ है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ अमोल भाई, आप कुछ तो भी बता रहे थे पट्टों के बारे में। तो ये पट्टे जैसा मैं उड़ा के रखता हूँ जैसा 2-4-6 घंटे ऐसा जो कुछ है। हाँ हाँ, अपने किए थे सामने चल के, वो कैसा अगर जैसे किसी भाई ने लेके गए तो उसको तकलीफ नहीं होने होना। हाँ हाँ, पट्टे को अपन अगर जैसा ट्रेनिंग नहीं करेंगे जैसा जैसा वो पर झड़ाते जैसे उम्र पे आएंगे उड़ने में काफी दिक्कत देंगे वो। बिल्कुल, और ऊपर से उड़ेंगे नहीं वो, उसके पीछे आदमी परेशान हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा उसके पीछे, फिर वो लंडर की तरह ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग, वो बिल्डिंग से वो बिल्डिंग पे भागेगा। बिल्कुल, और नस्ल खराब होंगी, आपका नाम खराब होगा, खराब हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है, उसको जैसा निकल गया पेटी के बाहर से उसको सुखाई दे के थोड़ा सा उड़ाना घुमा फिरा के अगर रख दिए। हाँ मतलब उसको इतना पता चल जाता है कि अपने को घर के और घर का भी पक्का हो जाता है वो हिसाब से कबूतर को ट्रेनिंग देते हो आप। तो जैसे कि अपने सावनेर एरिया में तो कोई भी मतलब टूर्नामेंट वगैरह कुछ भी होती नहीं है, तो आप किस तरह से टूर्नामेंट करते हो? मतलब जो टूर्नामेंट बोलो तो वैसा कोई विशेष इधर कबूतरों का शौक नहीं है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को जैसा है रखे हुए है, जैसा 4-6 महीने जैसा शौक करते हैं उसके बाद में बंद कर देते हैं। बिल्कुल, कोई किसी की बिल्ली खा जाती है, किसी के घर वाले नहीं मानते, तो उस वजह से जो है अपने एरिया में टूर्नामेंट वगैरह नहीं है। बल्कि अपने एरिया में टूर्नामेंट होना चाहिए, काफी अच्छे अच्छे कबूतर छुपे हुए है, तो वही छुपे हुए कबूतरों को मतलब जो भी जानवर है उनको मैं एक्सप्लोर करने के लिए ये यूट्यूब चैनल बनाया हूँ। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और प्यार बनाया रखिए आपका इस वीडियो में और ये चैनल को। तो आइए दिखाते हैं अमोल भाई दूसरा कबूतर। कबूतर है ये काफी पुराना नसोरा कबूतर है। अच्छा तो काफी ये पुराने ओल्ड ब्लड लाइन के कबूतर है, जैसा कि ये देख सकते हो आप, इसकी आंखों का भी शो कर रही है आप, आपको भी देख के कबूतर समझ में आएंगे कि क्या चीज के कबूतर है ये, काफी कम देखने के मिलते हैं अभी ये नागपुर में। तो ऐसे कबूतर जो ये वीडियो में दिख रहे हैं काफी कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत पुराने नस्लों से चले हुए आ रहे कबूतर है जिन्होंने इन्होंने कलेक्शन करके रखा है अमोल भाई ने। सही कह रहा हूँ ना अमोल भाई? काफी पुराने नस्ल के कबूतर है ये, छापदार है मेरे पास। अच्छा ये छापदार है, इसका भी शौक कर लो आप आंखों का। ये सब जो कुछ भी आपको अभी ये बड़े हुए पट्टे, बड़े जोड़े दिखा रहे हैं, ये इनके ब्रीडिंग के पट्टे हैं, तो ये सेल करने के लिए नहीं है, भले इनके पट्टे वगैरह जो भी है वो सेल करेंगे। ये लोखंडे नसल है, ये लोखंडे के कबूतर है। अच्छा ये लोखंडे, इसके बारे में थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताइए ना, लोखंडे कैसे नाम गिरा इनका? ये कैसा, ये पंजाबी से बने हुए कबूतर है ये, पंजाबी से बने हुए कबूतर है ये, जैसा ये भी ऊंचे नीचे उड़ते है कबूतर ये। अच्छा हाई फ्लायर लो फ्लायर? हाँ हाई फ्लायर है ये, पर ऐसा लगेगा कि आपने को ऊपर से नीचे आया तो ऐसा लगेगा कि बैठने के लिए आ रहे हैं, और बाइकआउट जो जितने ऊपर से नीचे आएंगे उतने रेंज पे वो वापस चले जाएंगे। अच्छा मतलब ये अच्छे कबूतर है टूर्नामेंट में उड़ाने के लिए लाइक कबूतर है ये मेरे पास में, इनके बड़े वाले कबूतर थे ये मेरे पास का सबसे पुराना कबूतर है जाक्चीना। अच्छा ये जाक्चीना भी काफी पुराना कबूतर है, इसकी आंखें देख लो, इसकी आंखों का भी शौक कर लो आप।
आंखों से ही कबूतरों को पहचान समझ में आती है, और उसके खड़ान से देख सकते हो आप। आके इसके पर भी दिखा दो, ये पर है। अगर अमोल भाई, अगर किसी को खेल चालू करना हो तो उनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? उनके लिए ऐसा है कि अभी जैसा कोई अपनी बड़ी नस्ल को ही देता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं देता है। अब कैसा, जैसा अगर अपने को जितना समझता है उतने हिसाब से उसको परखो। नहीं अगर समझता या कोई अगर जैसा कोई बताता है जो हिसाब से, जैसा कोई भाई हो या अपना कोई जैसा जिसको, या फिर किसी को उस्ताद बना लो, अपना उस्ताद बना लो, ऐसा कोई नॉलेज वॉलेज हो तो उससे थोड़ा सा बातचीत करके थोड़ा सा कबूतर की जानकारी ले लो और उसके बाद में खरीदो। मेरे हिसाब से जैसा पट्टे रहे, पट्टे में क्या होता है, जैसा अगर अपन ने लिए तो उसमें क्या उड़ा के भी थोड़ा आदमी भाग सकता है। जब उड़ने के बाद में, जमने के बाद में अगर अपने को इच्छा हुई अगर उसको उड़ाने की है तो उड़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर उसको सामने में अगर ब्रीडिंग में डालना है तो उसको बाद में कैच करके ब्रीडिंग में भी डाल सकते हैं। ऐसा ये नहीं, पर पट्टे ऐसा रहता है कि ज्यादा सक्सेस देते हैं, सक्सेस देते हैं और महंगे नहीं रहते हैं, थोड़ी सी लाइफ रहती है उनके। बड़े कबूतर जैसा दिए भी तो कैसे उनकी प्राइस ज्यादा रहती है, और जिस किसी को अपन ने अगर उसके काफी पीछे लगे तो भैया जिसकी जिसकी के अगर पुराने कबूतर है तो उतनी प्राइस देना पड़ता है उनकी। बिल्कुल सही बात है, कबूतर आपको। और काफी लोग जो है अपने नस्ल आगे नहीं देना चाहते किसी के भी हाथ में। नस्ल देना है मतलब बोलो तो वो क्या रहता है, उनका शौक रहता है, वो हिसाब से वो अपनी नस्ल पकड़ के रखते हैं, देते नहीं है। अपने को बोलते उस मेल में का है, इस मेल में का है, पर वो एक्चुअली उस मेल में का रहता नहीं, उसमें कुछ परसेंटेज रहते हैं। और बात ऐसी रहती है देखने के ऊपर और अपने को परखने के ऊपर में रहता है। अच्छा, तो ये सब कुछ है, जिनको भी शौक अभी चालू कर रहे हैं ये अमोल भाई की बातें ध्यान में रखिए, और आपको अभी आगे में बहुत बेहतरीन कबूतर भी अभी दिखाने वाले हैं। देख सकते हो आप ये कबूतर, ये छापदार कलंक के हैं, तो काली आंख में छापदार, ये काली आंख के छापदार कलंक के छापदार कबूतरों का शौक कर लीजिए आप ही। तो इनके पट्टों का मैंने क्या रिजल्ट दिया है अभी? पट्टे में मतलब बोलो तो मेरे पास में चार चार बजे तक के ये कबूतर उड़े हुए हैं। ये जो कैसा है, ये जितनी इनकी खूबसूरती है उतनी बेमिसाल इनकी उड़ान भी है। अरे बाप रे, हाँ ये क्योंकि ऐसे मेरे पास में ऐसे खूबसूरत दिखने वाले ही नहीं है। मेरे पास में गिनती के कम से कम 5-6 जोड़े है, और वो मेरे खुद के है, तो पहले से जो मेरे पास में इनका बाप है, ये बाप मेरे पास में उड़ चुका है, ये वाला ये बड़ा बाप है इनका, ये छापदार है, इन सब पट्टों का बाप है ये। अच्छा, तो ये नस्ल लेके आ रहा है अपने। ये मेरे पास में उड़ा हुआ है, 4 बजे तक के कबूतर उड़ा हुआ है। इसकी उड़ान ऐसी है, तितली की तरह उड़ान है। अच्छा, जगह पे उड़ते हैं और बाद में जब अगर इसको बात चील सीख रहे अगर दिख गए तो ये जंगली बन जाते हैं, जंगली की तरह फिर भागना चालू कर देते। अच्छा, मतलब सीधे सीधे भागते ये। पर ये याददाश्त की इतने तेज है कि तुम अगर इसको जैसा उड़ा के दे अगर नाइट भी बस गया तो ये 2-2, 3-3 दिन के बाद में अपने घर पे खुद वापस आ जाएंगे। अच्छा, मतलब किसी की पेटी पे नहीं बैठेंगे, ये भागेंगे, काफी भागेंगे, परेशान करेंगे, पर ये तुम्हारा किसी के हाथ में छपड़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल, ये छापदार नस्ल है। अच्छा, आपके यहाँ की मेन नस्ल जो है? मेन नस्ल है ये मलवाई मादी है मेरे पास की, तो मलवाई मादी है। मलवाई मादी का भी शो कर लीजिए आप। ये भी कलंक के आंखों में ही है। मलवई जो कबूतर है वो काफी छोटे वजूद में आते हैं ना, छोटे वजूद में आते हैं, और ये कैसे इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा पतला सा होता है। जैसा ये अभी इस कबूतरी को मैं चूड़ी में से जैसा पार करवा दूंगा। अच्छा, तो ये चूड़ी में से पार हो जाएगी ये कबूतरी, इतनी पतली वजूद की कबूतरी है ये। और इनके उड़ान में क्या है, आपने उड़ाया इनके? इनको मतलब बोले तो ये तो मेरे पास में इस कबूतरी को नहीं उड़ा हूँ, एक्चुअली इस कबूतरी का पट्टा उड़ाया हूँ मैं, ये वाला मेरे पास में 2 बजे तक के बैठा के रखा हूँ। अभी ये गया सीजन, ये वाला जो गया सीजन में 4th-5th महीने में ये पट्टा है इसका, इस कबूतरी का, ये पिलंका। अच्छा, पिलंका निकला हुआ है इसमें, पिलंकी टाकी कलंकी इसमें निकलता है, उनकी वो खूबी है उनकी। अच्छा, ये 2 भाई थे मेरे पास में, तो इसमें से एक सफेद अक्की आया था, पर वो एक्चुअली वो बाज ने उसको मार दिया था। अच्छा, तो वो अपने घर में नहीं वापस आया? नहीं हुआ वो, तो ये एक बच्चा है, तो मैं इसको उड़ा के रोका हूँ, अभी इसको खाली ब्रीडिंग में डाला हूँ इसको। अच्छा, तो ये ब्रीडिंग में है क्या अभी? हाँ, ये ब्रीडिंग में अभी बच्ची नहीं बनाया, अभी फिलहाल मादी लगाया उसको। अच्छा, तो इसको कौन सी मादी लगाया हूँ आपने? इसको मैं मलवाई की मादी लगाया हूँ, कलंकी। कलंकी, हाँ, ये वाली मलवाई मादी। ये मलवाई मादी है।
ये मलवई मादी है, सेम ही है लगभग। ये खाली वाइट है, वो थोड़ा लाल गजरा है। अच्छा, तो इनका अभी रिजल्ट लेना है आपको कि इनके बच्चे, अभी जैसे बच्चे निकालूंगा, अभी बच्चा एक निकला है मेरे पास में, उड़ रहा है, दो दो घंटे पे आया है। हाँ हाँ। का एक जोड़ों में का बच्चा है मेरे पास में, ये वाला, ये वो जो मकवा वाला मेरे पास का सबसे पुराना धुआं का कबूतर है। इसकी उड़ान, इसकी जो बच्चे है मेरे पास में कभी खेल नहीं गए हैं आज तक के। अच्छा, ये पुराना कबूतर है मेरा वाला, देसी कबूतर है, देसी कबूतर है जो ये नागपुर में आज से कुछ सालों पहले, 5-6 सालों 10 साल पहले बोलो, ये काफी नागपुर में ट्रेंडिंग में चालू थे, जिसे हरे सफेद अक्की में बोलते थे कोई। तो ये कबूतर जैसा ये कहीं से कटा नहीं है मेरा, ये नस्ल पे आ गया है, देखो इसको सफेद दाग आ गया है बिल्कुल। ये जामनी पंजे का है बिल्कुल, पंजे देख लो, और ये कबूतर की जबान देख लो, ये काली जबान का है ये कबूतर। ये कबूतर किसी चीज में नहीं कटा, और इसके बच्चे मेरे पास में कभी फेल नहीं होते हैं। अच्छा, ये बच्चा तुम इसमें उड़ा लो, काला भोर ऐसे धुमे बच्चे निकलते हैं मेरे पास में इसके। और उड़ा लो तो वो तुम्हारे को 12-1-2 बजे के ऊपर में, जैसे जैसे धीरे धीरे रेंज बनाएंगे बिल्कुल वैसे वो बढ़ाते हैं। जैसे तो ये मादी लगी है, वो भी ये भी मादी सेम उसी पैटर्न में, ये वाली ये भी धूमी है, नस्ल पे आई है, ये देखो इसको भी यहाँ पे डाग है। अच्छा, तो ये धूमियों को जो पहचानने का ये है, ये सफेद दाग लेके आते हैं? नहीं, वो जो नस्ल वाइज रहता कबूतर अगर होगा तो वो अपनी खुदी छोड़ता नहीं है, वो खुदी लेके ही आता है, वो अभी नहीं लेके आएगा वैसे जैसे जैसे, बट वो उम्र होंगी उनकी वैसा वैसा वो खुदी लेके आएगा। वो तो देख सकते हो आप इसमें से नस्ल में से होगा तो शोक करिए। ये भी वही जामनी पंजे की कबूतरी है, ये भी ओल्ड ब्लड लाइन वाले कबूतर है, काली जबान की कबूतरी है। जो इसके जबान दिखाने दो, काली जबान के बिल्कुल सही का है, काली जबान के कबूतर है, पंजाबी तारा कबूतर है। मैं मंगाया था इसको, अभी इसके ब्रीडिंग के लिए मंगाया हूँ, इसको मादी डाला हूँ। तारे भी बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। तो ये कहाँ से मंगवाए थे आपने? ये अकोला से मंगाया हूँ। अकोला से ज्यादातर के कबूतर मंगाते हो आप? अकोला से ही मंगाता हूँ मैं, काय के लिए जो है अपना रियली बताने का, इधर से मंगाया उधर से मंगा के कुछ ये बिल्कुल जो रियल कंडीशन बताने का। तुम्हारा नागपुर से और बताते सारंगपुर से मंगाया, यहाँ से मंगाया, वहाँ से मंगाया, बस मंगाने ही वाला काम मेरे पास का। ये भी काफी बड़ा बड़ा कबूतर है, ये भी 2-2.5 बजे तक के मेरे पास में उड़ा हुआ है। अच्छा, वैसे जैसे आप उड़ाते हो कबूतर, तो कौन से सीजन में ज्यादा कबूतर उड़ाते हो आप? मैं जैसा अभी जैसा ये सीजन में जैसा हिमालय में हो गया तो उड़ा के रखता हूँ, तो जैसा 1-2 घंटा ऐसा उड़ा के रखता हूँ, फिर उनको जैसी तय पक्की करवा देता हूँ। उसके बाद में तुम्हारा मार्च से चालू कर देता हूँ, मार्च होली होने के बाद में। अच्छा, जैसा थोड़ा सिकरा का मारा कम हो जाता है जी बिल्कुल, उस हिसाब से फिर धीरे 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 जैसे उड़ाने का चालू करने का उनको बिल्कुल। तो उसमें क्या है, कबूतर भी जैसा बाज नहीं मार पाता है, उड़ान भी अच्छी खासी देखने मिल जाती है बिल्कुल। नहीं तो जैसा आज अभी उड़ा देंगे फूल तो थोड़ी देर में पता चल रहा है कि सिकरा उसको लटका के लेके जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, उससे अच्छा नाई उड़ाओ तो बेस्ट है, बेस्ट है। इसलिए कैसे जो अपने जमाने पुरता शोक करो, उड़ाओ उसमें, और उसके बाद में फिर तुम उसको फिर सही तरीके से उड़ा लो धूप काले में सीजन में। अच्छा, ये कबूतर है पुराना, ये हरा वाला, इसकी भी आंखों का शोक कर लो। देसी कबूतर है मेरे पुराने वाले, पूरे ओल्ड ब्लड लाइन के। ये तो पब्लिक है पूरी, जो देख के समझ में आ जाएंगे इनको कि क्या कबूतर है। इसके पर भी दिखा दो आप, पर तो अभी ये ब्रीडिंग पेयर के सभी के कटे हुए है, ये सब ये ब्रीडिंग पेयर, खाली इनके बच्चे लेना है और इनके बच्चे उड़ाना है, ये सब ब्रीडिंग पेयर कबूतर है। तो जैसे कि आप जैसे कबूतर उड़ाते हो तो बिना कोई खेल पानी दिए हुए उड़ाते हो सादे? हाँ, मेरे पास में तो जैसा अभी अपन सभी मॉर्निंग में सबेरे कबूतर दाना तो खाता नहीं, चुपता नहीं उतने इतने वजह से, तो अपन कैसा जो बाजी खेलने वाले वो तरकीब से उड़ाते हैं, तो अपना जैसा उड़ाने का सिस्टम ऐसा है कि पेटी खोल दिया, दड़बे में पट्टे रहते बड़े कबूतर को तो अपन छेड़ते नहीं है बिल्कुल, पट्टों को निकाले अपने गाले में से उछका दिए वो घूमना चालू कर देते, जो कुछ है 2-2.5-3 घंटे जो उड़ाना अपने को जितना टाइमिंग लेना है समय के हिसाब से बिल्कुल अपन उड़ा देते हैं। अब जैसे जैसे समय मिलता वो हिसाब से अपन उड़ाते हैं उसमें, क्योंकि फुल टाइमिंग अपन सेट नहीं कर पा रहे बिल्कुल, तो अपने समय भी मांगता है उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल। कबूतर बाजी में सबसे मेन चीज है सब्बे और धीरज। हाँ, अब कैसा है शोक, अगर जैसा मैं आज उड़ा देता और कहीं निकल जाता तो उसको शोक नहीं कहलाएगा नहीं, अपने को मौजूद रहना पड़ेगा, उनकी उड़ान देखना पड़ेगा, अगर वो कहीं अप डाउन हो रहा है तो उसको कबूतर थोड़ा सा दिखा के अपने ठीक पर वापस लाना बिल्कुल, नहीं तो पता चल रहा है कि भैया मैं यहाँ से उड़ा दे रहा हूँ और वो उधर में घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ, तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है, खराब हो गया कबूतर बाजी, शोक हो गया, फिर वो क्या हो गया, टाइम पास हो गया वो बिल्कुल। उस हिसाब से अपन कबूतर उड़ाते हैं, ऐसा नहीं है। तो आइए, कलंक है लालवन कलंक का,
लाल बन कलंग का देख लग सकते हो, आपको ये भी बहुत कम देखने के लिए मिलाएगा। जगह इसके जो लाल बन लगे हुए इसके जो परों में, तो देख सकते हो आप ये कबूतर, इसके भी पर दिखा दीजिए भाई। ये भी कबूतर कहीं के कटे नहीं है, ये भी उड़े भिड़े कबूतर हैं, सब गारंटेड है, इसलिए इनके पर कटे हुए हैं। ये सब ये काले जवानियों के कबूतर हैं, ये बिल्कुल जो है ओरिजिनल रियल बात है, कोई भी छुपाने वाला काम नहीं है। लाल अंबरसरे है कलंग के, इसी में से बड़ों छापदारों में से बनाए हुए लाल अंबरसरे कलंग के है, जो पहले अपन ने पेयर दिखाए थे, जो फीमेल दिखाया था उस मेल में की देख सकते हो आप, ये दिखने में भी खूबसूरत है। और जैसे कि इनके पट्टे अगर पब्लिक को लग रहे हैं तो आप क्या प्राइस से दोगे? प्राइस बोलो तो ऐसा है क्या, जैसा अपने पास में निकलना अवेलेबल होना पहले, क्योंकि अभी तो ब्रीडिंग कैसा जैसा खराब सी हो गई है, क्योंकि अभी अपने मेरे पास के कम से कम 15-20 पट्टे मर गए, क्योंकि ठंडी के वजह से पट्टे सवर नहीं रहे हैं बिल्कुल। अभी जैसा न्यू ब्रीडिंग अपन करेंगे जैसे जनवरी फरवरी से स्टार्ट, उस पीरियड में अगर जैसा मिल गए अगर अवेलेबल रहे तो अपन दे देंगे बिल्कुल, अब नहीं रहे तो फिर वो तो साजी गज है, रुकना पड़ेगा। तो जैसे भी जैसे, आपको जैसा कॉल अगर किसी ने किया जैसा लग रहे हैं भैया, जैसा अपने पास में रहे तो अपन बताएंगे, नहीं रहे तो फिर बोलेंगे कि भैया समय लगेगा बिल्कुल। तकरीबन एक रेंज क्या चालू होती है अपने पास में कबूतरों की? अभी देखा जाए तो ये 1500, 2000, 3000 ऐसा इनकी जैसी कबूतर देख के जैसा उनकी जैसी नस्ल है, जैसी उड़ान है, वो हिसाब से, मतलब पूरा जो पैसा है क्वालिटी के ऊपर में, क्वालिटी के ऊपर निर्भर रहता है, वो कितने परों का पट्टा है, कितना बड़ा है, ब्रीडिंग के रहे क्या, ये क्या है, बिल्कुल सही बात है, उसमें देख के उसकी रेट तय किया जाता है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि एकदम अनसंड बोल देंगे, अभी जैसे छोटा ही बच्चा रहेगा तो उसके बोल देंगे 2000 रुपए, तो कोई मायने नहीं रखता ना, नहीं नहीं, पब्लिक भी समझती है ना कि क्या कबूतर है, काबिल होना उसको देना पड़ेगा अपने को, नहीं तो जो भैया जैसा छोटा बच्चा है उसमें कुछ गुण उन भी नहीं आया और तुम एकदम से उसको बेदाड़ कीमत बता दोगे बिल्कुल, फिर वो कैसा बिचक जाएगा ना, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं होगा, ये हिसाब से जितना अपने को रखता है वो हिसाब से बताओ, नहीं तो फिर उसमें कोई ये नहीं है बिल्कुल। ये रामपुरी मादी है, ये जो पहला जो छापदार बताया था ना तुम्हारे को, जो बड़ा वाला मेरा, उसकी पट्टी है ये वाली। कबूतरों का शौक कर लो आप ये वाले, इसके भी परों पर भी दिखा दीजिए भाई। और इसकी भी उड़ान वही है, हाँ वही है उसी के मजे जैसा, जिस तरीके से अपन को कैसा है जैसा एक आध उसमें जैसे 2-3 पट्टे अपन ने उड़ा के देख लिए, हाँ। तो उसमें से क्या अपने को समझ में आ जाता है कि भैया उसकी नस्ल जो है उड़ने वाली चलनी, एक आध ही 2 पट्टा उसमें कैसा ब्रीडिंग पेयर आ जाता है बिल्कुल, अपन ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते कि हर कबूतर उड़ेगा करके उसमें से बिल्कुल। जैसा कभी तो कोई पट्टा उसमें से ब्रीडिंग के लिए भी बनता है बिल्कुल, जैसा अपन बोलते कि भैया इसमें से किसी के पास में अगर उड़ने वाला जोड़ा होगा उसके पास में 4-4, 5-5 बजे तक के पट्टे उड़ रहे उसमें के बिल्कुल, एकांत उसके पास में अगर एकांत पट्टा निकल गया और वो नहीं छुड़ा तो क्या अपन उसको जोड़े को बोल देंगे कि ये जोड़ा बच्चे नहीं उड़ा रहा? नहीं नहीं, पर कभी कभी उसमें से ब्रीडिंग के लिए भी बच्चे निकल जाते हैं, कोई उड़ने में माहिर नहीं, समझने वाले को समझना पड़ेगा उसमें बिल्कुल। और जो खिलाड़ी रहेगा तो वो समझेगा, अनाड़ी रहेगा तो वो तो यही बोलेगा कि ये जोड़ा बेकार है, फेल कबूतर दिए करके, और हर कबूतर बच्चे उड़ने वाला नहीं फेंकेगा उसमें, क्योंकि कबूतर ब्रीडिंग पे भी बनता है बिल्कुल, ब्रीडिंग के हिसाब सब अलग अलग खासियत लेके आते हैं कबूतर, तो वो नस्ल पे फेंकता है बच्चे बिल्कुल। ये मेरे पास का मगरा कबूतर है, ये भी काफी उड़ा हुआ है। कौन सा कबूतर बोले? मगरा खतंग कबूतर है, इसका भी शोक कर लो आप। ये काफी क्वालिटी में कबूतर है। और जैसे कि आप कबूतर जब खरीदते हो तो क्या देख के कबूतर खरीदते हो, बुलाते हो बाहर से? कबूतर मैं ज्यादा तक के तो कभी मैं ज्यादा बाहर से बुलाया नहीं हूँ कबूतर, और जैसा अपने जो हमारे जो अकोले के एक दोस्त है मन्नन दिया करके, तो उन्हीं से जैसा कबूतर अपन लेते हैं, और कभी मैं ज्यादा तो बाहर से कबूतर बुलाया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कैसा विश्वास नहीं है। अभी जैसा तुम कहीं से बुलाना भी चाहोगे तो जो अपने को क्वालिटी और जो पसंद चाहिए बिल्कुल, तो जैसा वीडियो में देखने के बाद में कैसा आने के बाद में रियल कंडीशन वो रहती नहीं है बिल्कुल, और कैसा यहाँ से अगर तुम कबूतर अगर लो भी लोगे या कोई कबूतर अगर जैसा अंडे से फेल हुआ, जैसा अंडे नहीं डाल रहा, बच्चे ये नहीं कर रहा, तो उसमें कैसा रिप्लेसमेंट हो सकता है, उसके चांस होते हैं। आज तुम साल 1000 किलोमीटर से कबूतर बुलाओगे और उसमें जैसा यानी कि अगर डिफॉल्टर निकला तो तुम उस कबूतर को वापस नहीं भेज सकते? नहीं भेज सकते, वो तो तुम हिसाब से जैसा यहाँ से रहेगा तो 10-20 किलोमीटर पे तुम आना जाना कर सकते हो बिल्कुल, वही सर। तो अपना वही पर्पज से अपन बुलाते नहीं है कबूतर ज्यादा बाहर से,
और जो अपने घर के ब्रीडिंग पे अपन विश्वास करते हैं, बिल्कुल ये बड़ा खैरा कबूतर है मेरा। ये भी तकरीबन इसकी एज कितनी होगी? वही भी 10-12 साल की एज होगी। जैसा इसका नाक के ऊपर देख सकते हो, नथनी इसकी ये काफी पक चुकी है, हुमर टाइप में आ चुकी है। तो ये होती है कबूतर कितने साल का है, उम्र पता चलती है इससे। ये कबूतर के पर है, पंजे देख सकते हो आप। ये काल अंबर सरा है, वही अंबर सरों में है। शाहदार बताया तुम्हारे को काला वाला, उसी का पट्टा है ये। कलंक में जो था वो, हाँ नहीं सफेद अक्की वाला, जो सफेद अक्की वाला, हाँ ये भी अंबर सरा देख सकते हो आप। ये जो जो कबूतर पालने वाले सच में कबूतर के जो शौकीन होंगे, वो कबूतरों को तो देख के समझ में आ जाएंगे उनको कि क्या कबूतर है। बाकी दूसरे कबूतर दिखाते हैं। और पट्टिया ये दोनों, ये मेरे पास में उड़ा हुआ है जोड़ा 3-3:30 बजे तक के। अच्छा हाँ, ये छापदार छापदार काफ़ी अच्छे कलेक्शन में है छापदार। इनके भी आँखों का शौक करते हो आप। पंजाबी कबूतर है, इसके भी लगभग दून दस्ते शरीर के हैं, दून तक के पर जाते हैं। इसको देखिए दून तक के पर है, दून तक के पर जा रहे हैं। ये पंजाबी कबूतर है, काफी लोग इसे तारा कबूतर बोलेंगे, तारा लालचीना लालचीना बोलेगी इसको ये, क्योंकि ये कैसा है, गर्दन पे थोड़े हल्के हल्के छींटे है ना, इसको आ गए तो तारों में नहीं आएगा गिनती में, लालचीनों में आएगा, लालचीनों में आएगा ना। इसके भी पर दिखा दीजिए आप। ये भी उड़ा के रखे हो आपने? नहीं ये डायरेक्ट आया हुआ है अपने पास में, इसको उड़ाया नहीं है अभी, इसको फीमेल डालना है, इसको डालना है, ये ब्रीडिंग के लिए मंगाया गया है। ये जिनके पास में था उनके पास में उड़ा हुआ कबूतर है, पर अपन ने इसको अभी ब्रीडिंग के लिए लाए है। बिल्कुल, तो ब्रीडिंग करेंगे इसके पट्टे उड़ाएंगे। इसके अभी जैसा इसको मेल डालेंगे अपन फरवरी महीने में, अभी तो फिलहाल के कंडीशन में बच्चे बच ही नहीं रहे हैं। ठंडी भी है और काफी मौसम चेंज हो रहा है। कलंक का जोड़ा है, नॉर्थ हाउस है इसमें से, गजरा कलंक का जोड़ा है, ओरिजिनल जो गजरे कलंक के होते हैं वो जोड़ा है ये ताउस है नार इसमें। ताउस, ताउस यानी क्या है? गर्दन जैसा ऐसा लकलक करता है वो। हाँ हाँ, जो लखे मारे समान। हाँ,